बायोमोलिक्यूल्स वो ऐसा लाइफलेस सब्सटेंस है जो ग्रोथ को मेंटेन करने में या फिर कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारा मदद करता है, वो क्या कहलाता है? बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है, ठीक है। और उससे वैसे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, ये सब, ठीक है। अगर ऐसे जनरल बात करें, हम लोग एनालाइज करके पढ़े किसी चीज़ को, तो ऐसे एनालाइज करेंगे तभी हम लोग दो टर्म देखेंगे, एक एसिड सोल्यूबल और एक एसिड इनसोल्यूबल। एक को फिल्ट्रेट कहते हैं और एक को रेटिनेट करते हैं, एक को फिल्ट्रेट करते हैं और एक को रेटिनेट करते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे क्या होता है फिल्ट्रेट, क्या होता है रेटिनेट, समझो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है, लिखो बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, all the carbon compounds that we get from, simple definition लिख रहे हैं, कहीं दिक्कत होगा तो पूछ सकता है, all the carbon compounds that we get from living tissue is considered as biomolecules। कोई दिक्कत नहीं, देख लो, ऐसा कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जो क्या है लिविंग टिश्यू से हमको प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स को क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जनरली, ठीक है। एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। इस नाम से हम लोग पहले से परिचित हैं, मैक्रो और माइक्रो, याद है? ऑर्गेनिज्म जिस समय पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़े थे बायो मैक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखो मैक्रो पढ़े थे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे वैसा, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे स्टेथोस्कोप से देख, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप से देख पा रहे थे, ठीक है। और माइक्रो मतलब क्या था उसके स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखना संभव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इस बात को समझ रहा है, समझे, वही बात है। उसके आगे लग गया बायो, उसके बाद लग गया मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी बायो फिर माइक्रो फिर मॉलिक्यूल्स, इतना बात समझा। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो कहने का मतलब क्या है, माइक्रो की तुलना में मैक्रो बड़ा होगा, नाम से पता चल रहा है, माइक्रो की तुलना में मैक्रो क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब समझेंगे कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे और कौन सा ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है, समझो। होता क्या है कि जिस समय हम लोग किसी भी केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करते हैं, ऐसे समझो इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, सबका कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा, इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, इसमें कितने प्रकार का लिविंग थिंग्स है, कभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग्स का तुलना करेंगे तो बहुत चीज़ ऐसा होगा जो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, बहुत सारा एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन हो जाएगा। कार्बन हम लोग के शरीर में भी पाया जाता है, कार्बन नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखेंगे तो पाया जाएगा, अर्थ क्रस्ट में भी देखेंगे तो पाया जाएगा। आखिर क्या चीज होगा जो दोनों को अलग अलग बताएगा, समझा? तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, एक एलिमेंट के बेसिस पर, एक कंपाउंड के बेसिस पर। तो एलिमेंटल क्लासिफिकेशन सिर्फ हमको एलिमेंट के बारे में बताता है, एलिमेंटल क्लासिफिकेशन हमको क्या बताता है, सिर्फ एलिमेंट के बारे में बताता है, कंपाउंड उसके फीचर के बारे में बताता है, ठीक है, समझो। एलिमेंटल हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसके लिए एक टर्म को लिखते हैं हम लोग, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा सकते हैं, समझो। आप जाने बात मानेंगे ना तुम लोग, एक छोटा सा टॉपिक है उसको पहले समझ लेते हैं, इसको ऑटोमेटिक समझ लेंगे। टॉपिक है क्या हो गया, टॉपिक है हाउ डू वी एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, हाउ डू वी एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, हम लोग को कैसे पता चलेगा किसी भी चीज का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, समझो। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं एक एसिड का नाम, जिसको क्या कहते हैं, उस एसिड को कहते हैं ट्राइक्लोरिक
ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, क्या था फॉर्मूला, Cl3CCOOH बोले तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है समझो। किसी भी लिविंग टिश्यू को, किसी भी लिविंग टिश्यू को वेदर पेड़ के भी पार्ट्स को हम लोग ले सकते हैं या फिर सम पार्ट्स ऑफ लीवर, किसी भी लिविंग टिश्यू को लो और उसको क्या करो, एसिड का ट्राई करो, लो एसिडिक एसिड का घिसो, उसको पीसो, उसको मसो, उसको निचोड़ दो, समझा। किसी भी लिविंग टिश्यू को लेना है, किसी भी लिविंग टिश्यू को क्या करना है, लिविंग को क्या करना है, ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग समझता है ना, पीसना, ग्राइंड करना है किसके प्रेजेंस में, Cl3CCOOH, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, इसको पीछे, ठीक है। फिर क्या करो, किसी भी चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ, चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ कहने का मतलब जिसके आर पार संस्थान्स हो सके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ रहा है, शुद्धि कपड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, इन द किसी कॉटन या चीज क्लॉथ, किसी कॉटन या फिर चीज क्लॉथ, इसको क्या कराना है, उसके होते हुए पास कराना है। तो हम क्या देखेंगे, वहां पर दो पार्ट होगा, एक अगर मानते हैं ये चीज क्लॉथ है, ये क्या है, चीज क्लॉथ है, ठीक है, ठीक है, तो क्या देखेंगे, कुछ सब्सटेंस इसके ऊपर बच गया और कुछ सब्सटेंस इसके नीचे चला गया, कुछ सब्सटेंस इस चीज क्लॉथ के ऊपर रहेगा, ऐसे क्लॉथ है, इस पे से हम जैसे ग्राइंडिंग करने के बाद गिराएं इसको, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को, ठीक है, जब गिराएं तो देखेंगे क्या, कुछ पार्ट ऊपर में बच गया, कुछ पार्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो अब समझो, एक तो चीज क्लॉथ का छिद्र कितना छोटा होता है, ठीक है, अब उसके ऊपर से जब हम गिरा रहे हैं कोई चीज, तो उससे भी छोटा चीज है, छिद्र से पास कर रहा है इतना, उससे भी कोई छोटा चीज होगा, उससे भी कोई छोटा चीज है जो पास कर जा रहा है, और जो बड़ा है वो बच जा रहा है, तो जो बड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुल्स या माइक्रोमोलिकुल्स, समझा, इन सॉल्युबल पूल में जो बच जाएगा वही क्या कहा जाएगा, मैक्रोमोलिकुल्स, समझा, इन सॉल्युबल पूल क्या हो गया, समझा, फिल्टरेट, जो फिल्टर हो गया बच गया, जो फिल्टर हो गए बच गया वही क्या कहा जाएगा, मैक्रोमोलिकुल्स। इसके बाद हम लोग जब क्रॉस कराएंगे तो दो पूल हम लोग के पास बनेगा, एक एसिड सोल्यूबल पूल, एक एसिड इनसोल्यूबल पूल। उसके बाद मेरे पास कितना पार्ट बचेगा, दो पार्ट, एसिड सोल्यूबल पूल एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। अब देखो, एसिड सोल्यूबल पूल को हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार फिल्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, समझने में कोई दिक्कत, अभी आएंगे, अभी तो बेसिक्स है, इसके बाद जब आएंगे टॉपिक पे प्रोटीन पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में मजा आएगा, तो बस ऐसे ही, बारिश हो रहा है टू मच है, चलो, एसिड सोल्यूबल को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, एसिड सोल्यूबल को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, एसिड इनसोल्यूबल को क्या कहते हैं, रेटिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिनेट, नाम दिया गया, ठीक है, इतना समझ गया। एसिड सोल्यूबल को क्या कहें, फिल्ट्रेट, एसिड इनसोल्यूबल को क्या कहें, रेटिनेट। अब बताओ बायोमोलिकुल्स किसको कहें, जो कि कार्बन के बना, ठीक, और जो क्या हो, हमारे लाइफ को मेंटेन करने में मदद करता है और लिविंग टिश्यू से प्राप्त किया हो, बायोमोलिकुल्स कहलाता है। बायोमोलिकुल्स को हम लोग दो बार में डिवाइड किए, मैक्रोमोलिकुल्स और माइक्रोमोलिकुल्स। मैक्रोमोलिकुल्स एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल पूल में होगा, देखो याद करने का तरीका, समझो, नाम से पता चलता है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल मतलब मिलेगा ही नहीं, नहीं घुलेगा, कौन सा सब्सटेंस नहीं घुलता है, जो बड़ा होता है वो नहीं घुलता है, जो बड़ा सब्सटेंस होता है क्या होता है, नहीं घुलता है, और जो छोटा होता है क्या हो जाता है, घुल जाता है, सॉरी, जो बड़ा होता है वो नहीं घुलता है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल कहने का मतलब क्या होगा, जो ऐसा सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल में पाया जाएगा वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, और ऐसा सब्सटेंस
जो सॉल्युबल में पाया जाएगा वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझा? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आ रहेगा, एलिमेंट का नाम लिख देगा तो बस पूछेगा तुमसे मैक्रो मॉलिक्यूल है या माइक्रो मॉलिक्यूल है, या क्वेश्चन ये देगा कि एक एलिमेंट है जो हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन सॉल्युबल पूल में पाया, बताइए वो सब्सटेंस क्या है। मैंगो समय बताना होगा कि सब्सटेंस क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कहता है वैसा सब्सटेंस जो इन सॉल्युबल पूल में पाया जाए उसी को क्या कहा गया, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो आप समझो, अब हम लोग ये हैं एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल, इतना समझ गया एसिड सॉल्युबल पूल, ये हमको पता होना चाहिए एसिड इनसॉल्युबल पूल में मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा और एसिड सॉल्युबल पूल में क्या होगा माइक्रो, कभी नहीं भूलेगा इस चीज को। आप समझो एसिड सॉल्युबल पूल, ये एक पूल हो गया। अब समझो एसिड इन सॉल्युबल पूल, पूल पूस और पूल वाला नहीं, उसका पी यू डबल एल होता पूल वाला, पूल वाला नहीं समझा। हाँ समझो, कोई नहीं लक्षण आएगा मेरा वाला, हम भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इन सॉल्युबल पूल, हमको पता हो गया इन सॉल्युबल पूल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कोई भी बात करेगा इन सॉल्युबल पूल्स बात मैक्रो मॉलिक्यूल्स का होगा, कोई बात करेगा एसिड सॉल्युबल पूल बात माइक्रो मॉलिक्यूल्स का होगा। समझो, यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम समझ गए कि एसिड सॉल्युबल पूल में क्या होगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसको एनसीईआरटी कहता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम लोग बात करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझो इसमें क्या होता है एसिड सॉल्युबल पूल में जो मैक्रो होता है उसका रेंज जो होता है 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, क्या होता है 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, और इसमें जो होता है बायो उल्टा होते हुए मैक्रो में क्या होता है उसका वेट जो होता है 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, और माइक्रो में क्या होता है उसका वेट जो होता है 1000 डाल्टन से कम होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या है एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, पीछे पढ़ के आए थे क्लास 9th में, ध्यान नहीं दिए, 8th में भी पढ़ना था पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर वाला प्रोटीन वाले चैप्टर में याद आ रहा है, हाँ वहाँ पढ़ते तो वहाँ हमको पढ़ना था कि लिपिड क्यों 800 डाल्टन कंटेंट करता है, वहाँ भी बात करेंगे उसे। ऐसे समझो क्या है, एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स वजन ज्यादा होगा मोर देन 1000 डाल्टन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वजन क्या होगा कम होगा लेस देन 1000 डाल्टन, लगभग 18 से लेकर 800 डाल्टन तक ही घूम के रह जाता है उसका वेट, इसका वेट माइक्रो। ठीक है, रेट से नहीं निकला है, रेट से दिखता नहीं है। ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन ब्रैकेट में लिख लेना 1800 डाल्टन तक ही। ठीक है, इसका वेट मोर देन 1000 डाल्टन 800 डाल्टन इसमें मेनली चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसॉल्युबल में मेनली क्या होता है चार ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया, इनसॉल्युबल में क्या हुआ मेनली चार ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया, जैसे
सबसे पहले जो पाया गया उसको नाम दिया गया कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद लिपिड, उसके बाद एमिनो एसिड जिसको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, लिपिड। क्यों एक्सेप्शन है लिपिड, क्योंकि हम लोग उधर देख रहे हैं मोर देन 1000 डाल्टन होना चाहिए और है क्या लेस देन 1000 डाल्टन, समझा समझा। क्या है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आइसोप्रोपाइल, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है प्रोटीन, ठीक है। इतना याद रहेगा, समझो क्या हुआ जब उसको छाना तो दो पुल बना, एक एसिड सॉल्युबल और एक एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड इनसॉल्युबल था उसको हम लोग मैक्रोमोलिकुल्स नाम दिए। जो मैक्रोमोलिकुल्स था उसका वेट क्या था कि 1000 डाल्टन से ज्यादा था, क्योंकि इसका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा था। उसके बाद उसमें हम लोग चार मेन प्रकार के, बहुत प्रकार के आएंगे लेकिन मेनली चार प्रकार के क्या देखे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था कि चार पाया गया, सबसे पहले उसको कार्बोहाइड्रेट पाया गया। कार्बोहाइड्रेट की जगह पर कहीं कहीं किसी किसी किताब में पॉलीसेक्राइड लिख देता है, समझ जाओ सेक्राइड हम लोग क्या करते हैं उसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को ही। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया गया, लिपिड पाया गया, न्यूक्लिक एसिड पाया गया और प्रोटीन पाया गया, ठीक है भैया। अब इस चारों में से सबसे पहले हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है, मेनली पढ़ना इसको होता है, ठीक है भैया। लेकिन अगर इतना कोई फॉर्मा नहीं मालूम है तो चैलेंज लगा लो, तुम कितना भी तेज हो आगे पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, वहाँ दिमाग है जहाँ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है चलो। दिक्कत होता क्या है, इसमें क्या एक्सेप्शन में आता है लिपिड, है लिपिड या फैट आता है जो क्या है उसका 100 डाल्टन है वेट, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं मोर देन 1000 डाल्टन, ये एक्सेप्शन में है। बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलीमर, इट इज नॉट अ पॉलीमर, ये क्या नहीं है पॉलीमर नहीं है, समझा इतना बात समझा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बायोमोलिकुल्स के बेसिक्स का, अब आए हैं बायोमोलिकुल्स के मेन बेसिक्स पर। ये तो बेसिक्स था जिसके समझने से हम लोग आगे वाला बात समझेंगे, लेकिन अब जो चलेंगे यहाँ से मार्क्स यहाँ से पढ़ेंगे, मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई लिख रहा है, लिख रहा है लिखा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे।